झारखंड में पिछले 3 दिनों से गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं गठबंधन की जो स्थिति है उसमें फूट पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी ने अपनी जिस तरह से मांग रखी थी कि 12 से 13 सीट चाहिए या तो 20 सीट चाहिए, तो इस तरह की बातें जो सामने आ रही थी तो इससे प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं गठबंधन में वो फूट पड़ जाएगी। लेकिन इसी बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। इस बात पर जो है बात बन गई है कि पिछले विधानसभा जो चुनाव हुआ था जितनी सीटें आरजेडी को मिली थी उतनी सीटें मिलेंगी, फिलहाल जो है आरजेडी को 6 सीटें मिली हैं तो वही 1 सीट पर बातचीत जारी है। तो जिस तरह से आज हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई तो एक सकारात्मक मुलाकात हुई है, और जिस तरह से कयास भी लगाए जा रहे थे गठबंधन को लेकर कि कहीं ना कहीं फूट पड़ जाएगी, टूट जाएगी, तो इस कयास पर भी जो है विराम लग गया है। अब देखने वाली बात है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है किस तरह से तैयार होता है और आरजेडी के खाते में कितने सीटें, जिस तरह से हमने बताया कि 6 सीटें मिलेंगी और 1 सीट पर वार्ता जारी है, तो अब देखने वाली बात है कि सीट शेयरिंग में जो जिस तरह से नाम जब शामिल होगा तो वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिनों से जो झारखंड में सियासी बवाल मचा था सीट शेयरिंग को लेकर, गठबंधन को लेकर, तो आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात एक बहुत बड़ा परिणाम लेकर आई है। रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।